आपको ले चलते उत्तर प्रदेश, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्शन में दिख रहे हैं। शाम के 7 बजे आपसे करीब 2 घंटे के बाद में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ में मुलाकात और बातचीत होनी है। दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज के सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संवाद कायम करेंगे वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के, और दूसरी उन तमाम कमियों पर भी दिशा निर्देश तय करेंगे। मगर इसके साथ ही साथ में तमाम जिला के क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ में, प्रमुखों के साथ में भी आज इस संवाद के जरिए कुछ दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। जो वक्त रखा गया है शाम 7 से 8 बजे के बीच में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 3 बड़ी बैठकें करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ी बैठक कानून व्यवस्था को लेकर होगी, दूसरी बड़ी बैठक जन आरोग्य मेले को लेकर होगी जो 4200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगी, एक मेला लगाया जाएगा उसकी भी आज मॉनिटरिंग करेंगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से, कुल सचिवों से भी उनकी बैठक होगी, क्योंकि पिछले दिनों ALU में देखा गया था कि नकल की गई थी और पर्चा पहले ही आउट हो गया था, इसको लेकर भी CM योगी आदित्यनाथ के पास जो जाँच रिपोर्ट है पहुंच चुकी है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए शाम 7 बजे से 9 बजे तक CM योगी आदित्यनाथ कई बैठकें करेंगे, जिसमें कानून व्यवस्था होगा, शिक्षा के मामले में परीक्षाओं का मामला होगा और वहीं जन आरोग्य को लेकर भी बैठकें होंगी। इस मौके पर तमाम जो अधिकारी हैं जिलों के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM योगी आदित्यनाथ से जुड़ेंगे। साथ ही लखनऊ में 5KD आवास पे तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, विभागों के और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री योगी नाथ के शासनकाल का 3 साल पूरा होने जा रहा, 19 मार्च को 3 साल पूरा हो जाएगा, इसको लेकर जो परियोजनाएं बड़ी थी, विकास की परियोजनाएं थी, उसकी भी समीक्षा आज CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। कैमरामैन अमित सहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ। हमारे सहयोगी लखनऊ से हरेंद्र चौधरी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, जाहिर तौर पर 1 घंटे की आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ में और तमाम ज़िलों के मुख्य अधिकारियों के साथ में संवाद होना है। किस किस्म के विषय होंगे जो कि संवाद का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा 3 अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पे करेंगे और एक बेहद अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कही जाएगी। इसमें 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगातार जो है अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सिलसिला है वो चलेगा, और इसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, SSP और इसके अलावा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी CMO और तमाम जो जिले के जो सरकारी मशीनरी से जुड़े जो अहम अधिकारी वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और शुरुआत देखिए, सबसे पहली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी शाम 6 बजे से मुख्यमंत्री आवास पे, वो आरोग्य मेले को लेके होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नई शुरुआत की गई थी कि हर रविवार को सभी जो 4200 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी पे आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा, और इसमें जो गरीब और जो तबका है, खासकर जिनको स्वास्थ्य सेवाएं जिनको अभी तक मुहैया नहीं हो पाई, उनको लेकर ये सुनिश्चित किया जाएगा। और ये तमाम पूरी जो कवायद को बेहतर तरीके से इसको सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे कि आरोग्य मेले का जो आयोजन है वो सभी PSC पे तय समय पे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां जो है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से की गई है, और इसके अलावा चूंकि एग्जाम्स को लेके जो एक बड़ी तैयारी और पूरी सरकारी मशीन को एक बड़ी एक्सरसाइज जो है करनी पड़ती है, तो सभी यूनिवर्सिटीज और उनके कुल सचिव को एक साथ एक अहम बैठक कही जाएगी। और इसके अलावा चूंकि कानून व्यवस्था, सभी जिलों के SSP भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जुड़ेंगे, तो न सिर्फ नकल विहीन परीक्षा को लेके मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे, बल्कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेके भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के कप्तान जी। हरेंद्र, हम लगातार देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी न किसी माध्यम से उन तमाम लोगों से बातचीत करके, संवाद कायम करके उन तमाम चीजों पर दिशा निर्देश जारी करते हैं। बावजूद इसके कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि निचले स्तर पर जाकर के किस तौर पर उन दिशा निर्देशों की अनदेखी या तो की जाती है, धरातल पर सही तौर पर अमल दरामद नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में माना यह जाए कि आज कोई कड़ी चेतावनी? बिल्कुल, देखिए जब बार अगर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए तकरीबन 3 साल होने जा रहा है, और ऐसे में
अब हमने पहले भी देखा है कि उनकी तरफ से अलग अलग मौके पे अलग अलग मंच से सख्त दिशानिर्देश इस बात को लेके दिए गए हैं कि न सिर्फ जो सरकारी योजना है उनका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए बल्कि जमीनी स्तर पर उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। लेकिन कई बार जो लापरवाही इसमें बरती जाती है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई और कार्यवाही भी की गई है। और आज जिस तरह से अलग अलग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी जो एक्सरसाइज जो कही जाएगी आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, ऐसे में संभव है कि जहां समीक्षा के दौरान जिन जिलों में लापरवाही पाई जाएगी तो उनको एक सख्त हिदायत दी जा सकती है और बहुत ज्यादा लापरवाही मिलने पे एक कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है, इस बात के भी संकेत जो है मिल रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र।